कैसे उठा रहा है? बच्चा भारी है, खिलखिल क्या कर रहा है? पहले काम ठीक से कर, फिर तो जिंदगी भर हंसना ही है। शाबाश। एक मिनट, पीने से पहले प्लान को एक बार दोहरा ले। आज छोड़ दे यार, कल रिहर्सल नहीं कर सकते क्या? कल रेस्ट डे है, बड़े मैच से पहले हमेशा आराम करना चाहिए, पुराने खिलाड़ियों का तकनीक है। चल बोल प्लान। बोलना यार, हाथ में दारू का ग्लास है, और कितनी देर रुकेंगे? अरे बोलना यार, हम लोग स्कूल के नजदीक जाएंगे, बोलना, खत्म करना इसको। श्रवण खाना खाने के बाद हाथ धोएगा और शुशु करने के लिए झाड़ियों के पास आएगा। करेक्ट। उसके बाद मैं क्रेन ऑपरेट करूंगा और उसे स्कूल कंपाउंड की तरफ घुमाऊंगा। रस्सी के दूसरे छोर पर तुम लटक रहे होगे, और फिर मैं धीरे से क्रेन नीचे ले आऊंगा। फिर मैं धीरे से क्लोरोफार्म बच्चे के मुंह पर लगाऊंगा। थबा। फिर स्मूथली क्रेन तुम दोनों को ऊपर उठा लेगी, और ऊपर ही ऊपर होते हुए तुम दोनों को क्रेन एक्सप्रेसवे क्रॉस करा के झोपड़पट्टी के नजदीक कार के पास उतार देगी, जहां जॉनसन पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं और दिगंबर। नाम मत बोल। क्या नाम है मेरा? ए। बी। और ए सी। करेक्ट। मैं और ए बच्चे को कार में डालेंगे। ए बच्चे के बाप को फोन करेगा। लीजिए मेहता जी, आपके 10 लाख रुपए। थैंक यू। हेलो। ए मेहता साले, तेरा बच्चा हमारे कब्जे में है, 25 लाख रुपए एक सादी बोरी में भर के धारावी के कचरे में डाल देना। रा अगर पुलिस को बताया तो तेरे बच्चे के टुकड़े करके तेरे घर भिजवा दूंगा, समझा? बंद कर फोन। मजाक मत कर, आस पास कोई हॉस्पिटल है क्या? नानावटी, चैन को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ, आप दुर्गा बहन को लेकर जल्दी आओ। अपेंडिस या अपेंडिसिटी ऐसा कुछ बोल रहे थे डॉक्टर, पेट में फोड़ा था, फट जाता इसीलिए काट दिया। एक हफ्ते बाद करेंगे ना काम, फिक्र क्यों करते हो? अरे भौजी, परसों से स्कूल की छुट्टियां हैं, 2 महीने के बाद स्कूल खुलेगा, तब तक क्रेन चली जाएगी। अच्छा मान लो क्रेन नहीं भी गई तो भाई साहब तो लेटे ना 6 महीने के लिए। वाह वाह दिगंबर भैया, मतलब ही यार किसके और खाए पिए किसके। अरे भौजी, अभी नया आदमी ढूंढना पड़ेगा ना जो इसकी जगह क्रेन चलाएगा। आदमी? अरे लेकिन उसको क्रेन ऑपरेशन भी आना चाहिए ना। हॉस्पिटल में सभी ऑपरेशन होते हैं। अब भैया नया लाओ या पुराना लाओ, हमारा हिस्सा काहे काटते हो? अरे अभी नया आदमी आएगा, पूछेगा कि जो हॉस्पिटल में पड़ा है वो काहे बात का हिस्सा मांग रहा है, तो घंटा जवाब देंगे हम। वो साला हमारा रिश्तेदार है। अरे तुम्हारा नहीं है तो क्या हुआ, इनका तो है। क्या साला? मेरा भाई चलाएगा क्रेन और हमें दिलाएगा हिस्सा। शांत हो जाओ दुर्गा, तुम्हारा भाई करेगा ये काम। वो तो काम तमाम कर देगा। तुम चुप रहो जी, मेरे मैके वालों के साथ तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम रही है। अच्छा किधर है तुम्हारा भाई? कल्याण में मेला लगा है, किसी से भी पूछ लो मुंबई एक्सप्रेस कहाँ है। स्टेशन में मेला है? मेला स्टेशन से बहुत दूर है। अच्छा, मेले में ट्रेन है? ट्रेन नहीं, भाई है मेरा, मुंबई एक्सप्रेस, अविनाश नाम है असली। अरे लेकर आओ उसे, ये कोई 1-2 रुपए की बात नहीं है, पूरे 25।
धंधा क्या है उसका? आप चिंता मत कीजिए, राजू अच्छे अस्पताल में, जो भी खर्चा है हमने दिया है। बॉस, एम्बुलेंस है, मुझे लगा पुलिस है। साहब, साहब, साहब थोड़े पैसे दो ना, साहब, दो दिन से नहीं खाया साहब, साहब मेरा भैया भी भूखा है। जरा जरा सी बात पर दिल छोटा कर रहा है। अरे राजू अब बिल्कुल ठीक है। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं रोना चाहिए था, लेकिन उसको देख के बचपन की याद आ गई। मैं इतना सा ही था जब दुर्गा मुझे गोद में उठाकर भीख मांगती थी। दूसरे सिग्नल को माँ सब मारती थी। दुर्गा भीख मांगती थी? राजू ने अपन को बताया नहीं। जिंदगी भी कभी कभी बहुत बुरा करती है कुछ लोगों के साथ। कितने अच्छे दिन थे वो। दुर्गा भीख मांगती थी, मैं गोद में बैठकर खाता पीता रहता था, काम करने की जरूरत ही नहीं थी। दुर्गा बहुत प्यार करती है ना आपको, कह रही थी कि आप कभी उसका कहा नहीं टालते। अच्छा एक बात करनी थी आपसे, राजू कह रहा था कि वो करेगा, लेकिन लेकिन अभी कितना टाइम है अपने पास, और मिस्टर एक को टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। जब तक हम गाड़ी में बैठे हैं तब तक मिस्टर एक काम की बात करेंगे, ऐसा मिस्टर ए सोच रहे हैं, है ना बस? देखिए मुंबई एक्सप्रेस जी, हेलो हेलो, सॉरी मैं आँख जरा बंद कर लेता हूँ, सीधे रास्ते पर जाने से मुझे चक्कर आने लगता है, सॉरी। मिस्टर नए सी, आप आंख बंद नहीं कर सकते, मिस्टर ये बात कर रहे हैं। बे आंख ही बंद किया है ना, कान तो खुला है, तू आगे देख। हाँ तो अविनाश जी, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, कान खोल कर सुनिएगा। कान कान का हाँ, तो क्या बात मिस्टर? होल्ड, आपको पंजाबी आती है? जी बिल्कुल नहीं। आपको पंजाबी आती है? बॉस लाइन क्लियर है, आप पंजाबी में प्लान बोलिए। 80 ए
ए बी तुसी सी हूँ असी तुसी हैंगे फुल पार्टनर ते पाएंगे पांगड़ा पांगड़ा ओए बल्ले 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 अबे साले तू क्या समझता था अपने साले को और क्या निकला तेरा साला हाँ। देखिए यहाँ गाली गलौज मत कीजिए अरे नहीं नहीं सिस्टर ये इनके सगे साले की बात कर रहे हैं साला एक सेकंड नहीं लगा उसको बात समझने तुरंत ही मान गया और नीचे टैक्सी का बिल भी भर रहा है साला क्या साला साला लगा रखा है साले के सिवा कोई और रिश्ता नहीं है कोई और बात नहीं कर सकते हा? ये कौन है अरे यही तो है इनके साले भाई इधर 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 तुरंत बात समझ गए पर ये सुना कैसे अरे मैंने सब समझाया इनको पूरा का पूरा प्लान सब बताया पर ये सुना नहीं भैया सब बोल रहे हैं मशीन लगा लो अरे अभी खा पी के आ रहा हूँ नहीं चाहिए खाना पीना नहीं मशीन 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 लगा लो मैं तो भूल ही जाता हूँ क्या है कि आधी बात इशारों से समझ लेता हूँ आधी बात अंदाजा लगा लेता हूँ मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ती वन टू चेकिंग मतलब बहरा है मतलब टैक्सी में हम जो कुछ भी कचर बकर किए कुछ नहीं सुने तुम जब मैं सुनना चाहता हूँ सब कुछ सुन लेता हूँ बोलिए डॉक्टर साहब डॉक्टर भैया नास पीटे ये डॉक्टर नहीं है तो ऑपरेशन कैसे किया आपने ए भाई अभी ए भाई भाई मत बोल दूंगा एक राप्टर साला हूं मैं ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है देख अभी संभाल के अरे पिचक नहीं जाओगे देख भैया क्या है ना कि हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां अभी इनको तेरी जरूरत है एक काम करेगा लल्ला इसके सारे काम टेढ़े होते हैं मैं सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ आजकल बड़े सीधे रास्ते पे चल रहा है वो फटीचर मोटरसाइकिल लेकर गोल गोल जो घूमता रहता है पुलिस तो नहीं घूमती मेरे पीछे अरे इनकी बात तो सुन ले सुनी थी एक बार कान से बहरा हो गया और जेल के अंदर चला तो गया मर तो नहीं गया ना नहीं तो देख इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ इनका पूरा पेट फाट डाला अब क्या पता कल ये जिंदा रहे मर गए तो दुर्गा चुप हो जाओ तुम चुप रहे सोच अगर इन्हें कुछ हो गया तो तेरी बहन का क्या होगा क्या भैया विधवा बनके सड़कों पर घूमेगी नहीं 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 उसकी फिक्र मत करो तुम दूसरी शादी करवा दूंगा जो भी होगा इससे तो बेटर होगा बहन की दूसरी शादी करने की तो सोच रहा है पर उसकी बात नहीं सुनेगा गजबर लंबी जबान जो हो गई ना तेरी अरे भूल गया वो दिन जब सड़कों पर गोदी में लेकर घूमती थी भीख मांगती थी ए लाला दे दे बाबा दे दे भूल गया मैं भूल गया मैं कमाती थी और बकर बकर खाता था तू आज ऊंचा कर इसे और सुन बात मेरी उन दिनों ही भूखा मरने को छोड़ दिया होता तो आज ये नखरे दिखाने को जिंदा रहता तू इतनी बड़ी बात बोल दी तुमने हाँ बहन की इतनी बड़ी बात सुन ली तूने पर उसका इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तू अरे लानत है मेरी खून पसीने की मेहनत पर लो फिर हो गए शुरू बार बार वही रोमत जे जी बस करो बोलो जो करना है बोलो करता अरे अब सब कुछ मैं ही बोलूं एक मिनट ए मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी पुराने सी न्यू वन यू सी ए बी सी अब बोलो साली भीड़ बहुत है कोई सुन लेगा नहीं सुनता हूँ ठीक नहीं आप सुनिए हाँ बैठा ही तो हूँ अब इसको का बोले हम वजह जानना चाहते हैं ना आप वजह है जॉनसन वजह हैं आप वजह हूं मैं बॉस थोड़ा हटो ना हाँ? मैं भी वजह हूं ना अरे तो सर पर बैठ जाइए ना अच्छा सॉरी तो वजह हैं हम सब अब मेरी एंट्री तो अभी हुई मैं कहां से बीच में आया नहीं 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 आप तो हमेशा से ही हमारे बीच में थे हाँ? अब ये ठीक से लगाइए ये हाँ और ध्यान से हमारी बात सुनिए ठीक है
देखिए इसे, देखिए मुझे। दो आम हिंदुस्तानी जो सीधे सादे तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। ये तो फिर भी घपला करता था, मैं तो एकदम सीधा था। अबे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों धारावी में पलकर बड़े हुए। इसका बाप विक्टोरिया चलाता था। हाँ, आखा लोकालिटी में वो विक्टोरिया वीर के नाम से फेमस था। 3 Victoria and 6 Horses। अरे बाप से शुरू करेगा तो कहानी कब खत्म होगी यार, प्रेजेंट की बात कर। अभी तो एक ही घोड़ा बचा है। क्यों जानते हो क्यों? मैं बताता हूं। एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसका नाम है मेहता, बड़ा बिल्डर है जो गरीब लोगों के छोटे छोटे घर तोड़कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, जो लोगों से कहता है कि तुम मुझे अपना झोंपड़ा दो, मैं तुम्हें फ्लैट दूंगा। बस दिगंबर भैया बस, और आगे मत बोलिए। अपुन का ये दिल खून का आंसू रोता है। नहीं जॉनसन, रोना नहीं, हमें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, चाहे कोई हमारी मदद करे चाहे ना करे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। अगर इस मेहता बिल्डर ने आप लोगों की जमीन हड़प कर ली तो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? हमारा पूरा सोसाइटी इलीगल है तो कोर्ट में जाके क्या ईस्टर मनाता? क्या बात कर रहे हैं, वो जमीन आपके नहीं, नहीं। कौन बोला ये? धारावी का मतलब मालूम है आपको? दलदल, कीचड़। सालों पहले हमारे बाप दादा यहाँ है और जगह को रहने लायक बनाया। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है कि पाले पोसे यशोदा और लेके जाए देवकी, और यहाँ तो साला मेहता है, देवकी भी नहीं है, कंस है कंस। ठीक बोला ना जॉनसन? एकदम करेक्ट। लेकिन यशोदा देवकी मिस्टर कंस को ने समझ में नहीं आया। लेकिन मेरी समझ में आ गया, मुझे एक वजह मिल गई। पहले मुझे लग रहा था हम कुछ क्राइम करने जा रहे हैं, ये तो समाज सेवा है। ये आपको किस एंगल से समाज सेवा काम लग रहा है? अबे उसे लग रहा है ना तो तू बीच में अपना दिमाग क्यों लगा रहा है? नहीं तू बिल्कुल ठीक बोला, सॉरी तू बोल दिया, बुरा तो नहीं लगा ना आपको? कोई बात नहीं बे, तू बोल। अच्छा, प्लान बताएगा? क्रेन को स्कूल की तरफ घुमा दिया, बच्चे को कैसे उठाओगे, वो तेरे साथ क्यों आएगा? ये है ना अपने पास रामबाण। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। अच्छा कूल ड्रिंक है, बच्चे को ये कैसे पिलाओगे? पिलाते नहीं है बस, सुंघाते हैं, दिखाता हूँ अभी। ओ अरे क्या कर रहा है तू, बेहोश हो जाएगा। क्या कर रहा है बे, ला इधर। ये लो, पकड़ लिया। ओ, 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 मेरा हाथ साफ कर। मोस्ट आइटम है, विस्की से बेटर है। चलो चलो चलो। बाजी बाजी, बाजी कर छोड़ उसे। अब आगे से एक भी सवाल नहीं करना, ये है ना क्रेन, इसको सीधे राइट घुमाना। बाजी कर छोड़, छोड़ उसे, छोड़ छोड़ छोड़। कुछ नहीं बॉस, थोड़ा खून निकला है, हम बॉस को ले जाएंगे काली माँ के पास। अबे आप क्या बलि चढ़ाओगे मेरी, अस्पताल लेके चलो। नहीं नहीं, वहां भी जाएंगे, मुझे क्या लग रहा है, देखो कल जीजा का पेट पटा, अभी घोड़े ने काट लिया, तो मुझे लग रहा है माँ नाराज हो गई है। हाँ हाँ, हो सकता है। पानी साफ है क्या? हाँ साफ है, पीने का है, थोड़ा इसे को पीता है। घोड़े का पानी डाल रहा है? हाँ, गाँव भी तो घोड़े का दिया हुआ है ना, तो पानी उसी का ठीक रहेगा। नो प्रॉब्लम बॉस। क्या प्रॉब्लम नहीं है, घोड़े को इंजेक्शन वगैरह देता है कि नहीं? क्यों क्यों, क्या देना चाहिए इंजेक्शन, जैसे कुत्ते को देते हैं। कुत्ता और घोड़ा तकरीबन एक ही है, और कुत्ता काटने से आदमी भोंक भोंक के मरता है। अच्छा, और घोड़ा काटने पर? पता नहीं, हिन हिना के मरे। बे तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं धक्के मारे मरा जा रहा हूँ, अस्पताल लेके चलता। टैक्सी टैक्सी क्यों है ना, मुंबई एक्सप्रेस।